Let's do question number 5th of exercise 4A, that is quadratic equation. Question number 5th is, solve each of the following quadratic equation. हमें ये दोनों equation solve करनी है. Quadratic equation को solve करने का मतलब होता है, हमें x की values निकालनी है. तो 5 question में दे रखा है, 2x minus 3 and 3x plus 1 equals to 0. तो ये कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं. हम 5th question लिख लेते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन में दे रखा है 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये दे रखा है. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी सॉल्व करने का बोलता है तब इसका मतलब कि हमें x की वैल्यूज निकालनी है. तो जब भी ये देखिए, ये इसमें ऑलरेडी फैक्टर्स बने हुए हैं, तो हमने एक बार एक ब्रैकेट को 0 के इक्वल रख लिया और दूसरी तरफ दूसरे ब्रैकेट को 0 के इक्वल रख लिया. अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे. तो कैसे निकालेंगे, 3 उधर चला गया, ये वाला 3 जब उधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आ गया इक्वल्स टू 3 और x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2. इसी तरीके से अगर 1 उधर गया प्लस का तो माइनस का हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/3 इज द आंसर. Now let's do question number 6th. Question number 6th में कह रहा है 4x square plus 5x equals to 0. तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं. यहाँ पे 4x square plus 5x equals to 0. ये बहुत important chapter है, सारी जगह use आया हुआ है, सारे chapters में थोड़ा थोड़ा use आया हुआ है, तो इसको please ध्यान से देखिए. अब इसको देख के, equation को देख के आपको दिख रहा होगा कि इसमें x square, इसमें x है, तो हमारा एक x common है, तो हमने एक x common ले लिया. एक x common लेते ही जब दो power दो में से 2 है x की power, उसमें से एक चला गया तो एक ही बच गई, तो हमने लिखा 4x plus 5 equals to 0. अब हमने x की पावर एक बार 0 के इक्वल ले ली, एक तरीके से ये एक ब्रैकेट हो गया और ये दूसरा ब्रैकेट हो गया, जैसे यहाँ दो ब्रैकेट्स थे, राइट. इसी तरीके से ये x की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई, तो हमने x इक्वल्स टू 0 लिख दिया. अब 4x प्लस 5 0 के इक्वल आ गई, तो क्या आया, 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0. तो 4x 5 उधर चला गया तो माइनस का हो गया, और तो x कितना आ गया, -5/4 आ गया, इज द आंसर, राइट. लेट्स डू 7th क्वेश्चन. 7th क्वेश्चन में कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस 243 इक्वल्स टू 0. तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं. हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं. क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 243 इक्वल्स टू 0, राइट. अब हमें देख के नहीं पता चलेगा कि 243 में 3 आता है कि नहीं आता है, तो हम इसको या तो अलग से डिवाइड करके देख लेंगे या एलसीएम. मैंने एलसीएम निकाला जिससे कि मैं इसको पता लगा सकूं कि कितना बचेगा. तो अगर मैंने 3 निकाला, डिवाइड किया, तो 3 8 24, 3 1 3. वैसे हम अपनी पास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि ये किसकी पावर होती थी, लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखा रही हूँ. तो इसका मतलब ये वैल्यू 3 से डिवाइड होती है, तो हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं. अब इसे देख के पता चल रहा है 3 कॉमन निकल रहा है, तो हमने 3 कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 81 इक्वल्स टू 0, राइट. अब 3 तो एज इट इज रखा. अब ये देखेंगे आप, ये तो x का स्क्वायर हो गया, इसी तरीके से 81 9 का स्क्वायर होता है और बीच में माइनस दे रखा है, तो हमने क्या किया, x का स्क्वायर लिख दिया और माइनस 9 का स्क्वायर लिख दिया, राइट. और ब्रैकेट बंद करके 0 के इक्वल रख दिया. अब यहां से मुझे पता चल रहा है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बैठ रहा है, तो हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है क्या, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, बस वही हमने इसमें लगा दिया. तो ये आ गया 3 × x माइनस 9 और x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, राइट. अब हमें x की वैल्यू सॉल्व करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू, तो हमने क्या किया, एक बार एक ब्रैकेट को x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 को, राइट.
और ये 3 की मल्टीप्लिकेशन इसमें भी है और इसमें भी है, तो आप चाहे इसे लिखें या ना लिखें, बात एक ही है। देखिए अगर मैं लिखती हूँ तो ये वाला 3 0 के नीचे चला गया, तो 0 अपॉन 3 इज 0 ओनली, राइट। तो x माइनस 9 0 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 उधर चला गया तो प्लस का हो गया। अब इसी तरीके से इस 3 की मल्टीप्लाई x प्लस 9 के साथ भी है, इक्वल्स टू 0, और ये 0 के नीचे चला गया, x प्लस 9 इक्वल्स टू 0 अपॉन 3, राइट। तो ये कितना आ गया, x प्लस 9 इक्वल्स टू 0 ही हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस, प्लस 9 उधर जाके माइनस का हो गया, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 9, एंड माइनस 9 इज द आंसर।